जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। एक्चुअली अरे बोलना क्या एक्चुअली? आई मित्तल और मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक डील। मुझे ये घर उनके नाम करना है। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो 6 महीने में वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। वो ये जॉल को तुड़वा कर कोई होटल वोटल बनाना चाहते हैं। अरे देवा, अरे तू पागल हो गई क्या? तूने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मित्तल ने तेरे सामने ऐसी शर्त रखी है? बोलना, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू जानती है ना, मुझे पहले से ये सारा ऐशोआराम चाहिए। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करती तो ये सब मुझे कहाँ मिलता? महारानी की तरह जी रही हूँ मैं, और फिर तेरे लिए भी तो ये सारे गिफ्ट्स वगैरह। अगर मैंने ऐसा नहीं किया आई तो ये सब हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे छिन जाने दे, मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट। तू पागल हो गई है क्या? अरे तू सोच भी कैसे सकती है? आइन पेपर्स पर साइन करेगी और आइन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करने वाली है। और तू आई की छोड़, तेरे बाबा को अगर इस बात की भनक भी लगे ना तो तुझे तो बाद में, मुझे पहले घर से निकाल देंगे। मैंने ना ऐसा करने की गलती की थी और उसकी सजा भी भुगत चुकी हूँ। आप नहीं होगा मुझसे। हम आजी और बाबा तक की बात पहुँचने ही नहीं देंगे ना। आई देख, एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। अगर तू ही ऐसा करेगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? और फिर ऐसा भी नहीं है कि वो आजी से ये घर छीन रहे। वो आजी को बदले में एक नया घर और कुछ पैसे भी दे देंगे। देखकर एक तरफ ये सड़ा हुआ सा पुराना घर और एक तरफ वो सारा ऐश्वर्य। तू ही सोच, तू क्या चूज करेगी? मुझे नहीं पता मैं क्या चूज करूंगी। मेरा दिमाग घूमने लगा है। पुन्नी, तेरी इन बातों ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। तू ये सब छोड़। तू ना अभी सबसे पहले जाकर अर्जु को हॉस्पिटल में मिल। तू उसको जाकर मिल। अरे यार, आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। मैं कल चली जाऊंगी। कल जाऊंगी? तू आज या कल, तुझे जब जाना हो तू जा, लेकिन तू जाकर मिल। तुझे अपना ही काम करवाना है ना। तू सबके सामने अच्छी बनी रहे। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली। तू मुझे सोचने का वक्त। क्या हुआ? कहाँ है विष्णु? कहीं उसने जीजू को कुछ? नहीं, मानव देशमुख को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसकी बीवी अर्चना देशमुख। ताई, भाई को क्या हुआ? कोमा में पड़ी है ससुरी। वो गलती से विष्णु की गोली उसको लग गई थी। भाई को गोली? विष्णु के हाथों? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम उस दिन यहाँ पर आकर विष्णु को भड़काते ना, वो बंदूक लेकर उन्हें मारने चला जाता, और ना ये सब कुछ होता। तुम्हारी वजह से ताई कोमा में है। क्यों किया है इसने? और विष्णु कहाँ है? कहीं उसे पुलिस ने फिर से? हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया। ससुरों ने खामखा उसे जेल में डाल दिया है। विष्णु अपने ऊपर गोली चला रहा था, अर्चना ने उसका हाथ हिलाया तो गोली अर्चना को लगी। आज तुम्हारी वजह से विष्णु जेल में है। मैंने तुमसे कहा था उसे रोक लो, लेकिन तुमने बस। मैं यहाँ तेरे नाटक देखने नहीं आया हूँ, तेरे बताने आया हूँ कि विष्णु जेल में है। क्यों किया तुमने ऐसे? अगर तुम यहाँ पर आकर उसको नहीं भड़काते तो शायद आज हमारा विष्णु बाहर आजाद घूम रहा होता। तुम भले हमें छोड़कर चला जाता, अर्जुन आई के पास चला जाता, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो अपनी सगी माँ के पास होता। उसका अर्चुताई के पास रहना मंजूर है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे नहीं। आज तुम्हारी वजह से वो फिर से जेल में चला गया। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। तुम चले जाओ उसकी जिंदगी से। तुम्हारी वजह से जेल के पीछे चला गया वो। तुम चले जाओ। अरे उसका बुरा वक्त तो तभी शुरू हो गया था जब तू बचपन में लेके उसे भागी थी। तू उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण है, सबसे बड़ा ग्रहण। छोड़ दो।
होता ही मैंने सोहम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं नहीं चाहती थी कि सोहम तुझे या फिर मानव जीजू को कोई नुकसान पहुंचाए। मुझे माफ कर दे ताई, मुझे माफ कर दे। इस सब के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, सोहम नहीं। उसे दोष मत दे, उसे दोष मत दे। कहते कि जब हवा का झोंका चेहरे को छूता है ना, तो दो चीजें याद आती हैं, एक इबादत और एक प्यार। तो मैं आपको अपने अपने प्यार का एहसास दे रही हूँ। अर्चना, नहीं अर्चना, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आदत हो गई मुझे तुम्हारी, तुम्हारा मेरे आसपास होना है, मुझसे बातें करना। बहुत मिस करता हूं मैं सब कुछ। जब से तुम चुप हुई हो, जिंदगी जैसे रूठ गई है मुझसे। उठो अर्चना, बातें करो मुझसे। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। अर्चु, आज कौन सी सब्जी बनाने की सोच रही है बेटा? आई तो सोड़ ना, मैं करते है ना, जो कर रही है वो कम नहीं है क्या? और भगवान ने तुझे भी दो ही हाथ दिए हैं, चार नहीं। वैसे मैंने अर्जी लगाई है, जल्दी वो दो हाथ और भेजने वाले हैं। अरे ये सब तुझे अभी करने की क्या जरूरत थी? मैं आ रही थी ना, मैं मदद कर देती तेरी। रुक, मेरी 947 की लोकल चली गई, तो अगले आधे घंटे तक कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जल्दी। बाय बाय आई, बाय बाय। लेकिन ताई, ताई आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी बात सुनती हूँ, बिकॉज आई लव यू। मुझे पता है मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। देख, तेरी ड्रॉअर में होगी। और ये मेरी बेटी पूर्वी, बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरी जैसी है। आई, तूने मौसी से झूठ क्यों बोला? मैंने मैंने क्या झूठ बोला? यही कि मैं तेरी बेटी हूँ। तो तू मेरी बेटी नहीं है क्या? कि मेरी पूर्वी को जल्दी से जल्दी एक ऐसा लड़का मिले जो उससे बहुत प्यार करता हो, ताकि मैं अपनी आजी और अपनी आई के साथ खूब सारा वक्त बिता सकूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।